I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're ready for a demon, I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste of blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold and cold. I spite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake. Feelings. I just need a place and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for the change. I ain't gonna give up. भाई या तू ही हो पड़े तू नशीला है लगू या बाबा जी ने बसु देवा माला नारो माला दारू पुन रोज मारती है बगा घर पगार देत नहीं लेकर बड़ा और लक्ष्य है ले जानी ना है बगा मैं तुमसे डर बरा हम आज ये उड़ा काम जाले तुम आजी बगा देवा बाहर खाजी बोलो बॉस आज बात खाजी का है चिना है तुझे नौरो ठिकाने हो गई धाम तुलाम करा भरुन देतो है है ना अभी तो बच्चे धर्मेंद्र जितेंद्र दिलीप कुमार राजेश कुमार मनीष कुमार शानू का सलमान खान कौन उठा का सारी घाट की घाट और सारा बाली के आंसू में समा धारण लिंगो संतरी मौसम में करो चुकू कल या हाँ या बाली के साथ नौरा ठिकाने हो रहे हो जा माझं लग्न होऊन 7 वर्ष झाली अजून मुलगा नाही मला एक मूल होऊ द्या बस दुसरं काही नको मला एवढी शिक्षा पूर्ण करा मालिके तुला मूल होय पण 5 खेटी दरबारात घालावी लागते घालून बाबा तर मला निराश करू नका नाही तुला हे देव कधीच निराश करणार नाहीत तुला अंगारा देतो नीट सांभाळून ठेव आणि काय बोलतो ते नीट ऐक खेळ देव प्राण शक्ती कपूर अजित रंजित परेश राव अमरीश पुरी करा या बारिकेची इच्छा पुरी 1.25 किलो लाडू 1.25 किलो पेढे 2 किलो बर्फी 2.5 किलो हलवा घ्या आणि या बारिकेला एक बालक द्या जय माधुरी करिश्मा डिंपल गोष्ट हाय लई सिंपल हगे अंगारा ध्यान दे जरा पुढच्या गुरुवारी ये लवकर दुपारी कुणाला सांगू नको नवऱ्याला संगती आणू नको विसरून जाऊ नको वेळ लावू नको बारी तुझं रूप मला आवडले खूप बस बोलू नको चूप ये बाबा तुला लय घाई झाली ना बस बस बाबांकडे बस बाबा मला रायचं झोपच येत नाही नुसतं क्रिकेटचे स्वप्न करतात आणि मी दचकून उठतो झोपेतून मला एक ताईतच बनवून द्या ना बाबा बाकी तुमच्या अंगाला आता सगळं व्यवस्थित आहे घाबरू नकोस आणि मी तुझ्या शिवाय असताना काळजी कशाला करतो ये पुढे बस असा सगळं ठीक होईल थांब आता तुला मी ताईत बनवून देतो जय श्री गावस्कर कपिल देव अजय जडेजा सचिन तेंडुलकर आणि कुणाल विनोद कांबळे सीमा कांगुले बना ह्या बालाची माऊली आणि धरा याच्या वर्षी गेमची सावली मारा एक फटका आणि चालू द्या फटका उडून टाका फटका आणि करा माझी सुटका बाळा आता इथे आणि मी काय बोलतो ते लक्षात घे जय कलंदर बिलंदर दलिंदार घेतील तुला अंधार बोल विस्की आता आणतोस का नंतर
होतो काय मी गलती घेतला आहे आगे ताए आणि चल जाय भाई भाई मागा पुढे पाहू नको वेळ लावू नको सुखंडी देऊ नको माघारी जाऊ नको अरे देव सारे कोपतील तुझ्यावर टपतील नाही तुला सोपतील निघतो किसके ऊपर था ये अंधश्रद्धा के ऊपर कितने लोग हैं जो यहाँ अंधश्रद्धा पर विश्वास रखते हैं कितने लोग हैं कोई नहीं है और श्रद्धा के ऊपर विश्वास रखना मतलब भगवान के ऊपर विश्वास रखना कितने लोग हैं जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं हाथ खड़े करो कितने लोग हैं फिर बिल्ली अगर रास्ता काट के जाती तो आप रुक जाते हो कि आगे चलते हो आगे बढ़ते हो अच्छा कितने लोग रुक जाते हैं सच बताओ बता नहीं रहे लेकिन फिर भी कुछ लोग रुक जाते होंगे या कुछ तो सोचते होंगे या कुछ मन में बोलते होंगे उसके बाद जाते होंगे मतलब वो अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास रखते हैं ठीक है तो अंधश्रद्धा के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा श्रद्धा और अंधश्रद्धा ये दो चीज होती है दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको पता है बिल्कुल अपोजिट है ये है कि नहीं अंधश्रद्धा क्या होती है अंधश्रद्धा ही मानवाचा घात करत त्यामुळे लुबाड़ते मतलब जो अंधश्रद्धा होती है वो क्या करती है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है कि नहीं करती है? करती है ना वैसे ही जो श्रद्धा होती है मानव वाला सामाजिक नीति मध्य सिखाते हैं मतलब वो हमें श्रद्धा क्या होती है जो सामाजिक समाज के प्रति जो नीति रहती है वो हमें सिखाती है मतलब नेक कार्य करने की तरफ हमें लेकर जाती है श्रद्धा ठेवनारा माणूस सुखी जीवन जगत असतो जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वो व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है क्योंकि वह नेक कार्य करता है अच्छे काम करता है समाज के लिए करता है मतलब सही रास्ते में चलता है तो वैसे ही जो अंधश्रद्धेचा आहारी गेलेला माणूस कधी सुखी होत नाही लेकिन जो अंधश्रद्धा रखने वाला जो मनुष्य रहता है उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या परेशानी रहती है जिस वजह से वो अपने जीवन में सुखी नहीं रहता श्रद्धा ही मानवाला पॉजिटिव विचार करायला भाग पड़ते श्रद्धा जो होती है उससे हमें क्या मिलता है पॉजिटिव विचार मिलते हैं मतलब जैसे कि आपको पता है गीता में भी बहुत सारी चीजें लिखी है महाभारत रामायण ये सब श्रद्धापूर्व मतलब ये सब श्रद्धा में ही लिखी गई है तो इसे हमें नेक कार्य करने के लिए अच्छे कार्य करने के लिए हमें मिलती है तो हमें पॉजिटिव विचार आते हैं पॉजिटिव वाइब्स आती है तो वैसे ही अंधश्रद्धा ही मानवाला नेगेटिव विचार अगर घेऊन जा रहा है।